हजारीबाग के बड़ी झील में गुरुवार को डूबे युवक का शव शुक्रवार की देर शाम तक भी नहीं निकाला जा सका, वह भी एनडीआरएफ की टीम को लगाए जाने के बाद। बताया जा रहा है कि युवक को डूबे 27 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया है। उसकी पहचान झील के नजदीक सीआरपीएफ कैंप के सामने हरिजन बस्ती में रहने वाले दिलीप मलिक के रूप में की गई है। गुरुवार को 3:30 बजे नहाने के दौरान बड़ी झील में वह डूब गया था। कल से आज सुबह तक गोताखोर प्रयास करते रहे कि उसका शव किसी तरह बाहर निकाला जाए,